हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बीच में बिजी थे, इस वजह से ब्लॉग वगैरह कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो आज जो ब्लॉग है वो है हल्दी का, तो जो मेरे देवर है उसकी हल्दी है आज, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में 2-3 बार बताया ये कि हम लोगों को शादी में जाना है, उस वजह से भी बिजी थे, थोड़ा सा मार्केट वगैरह का काम था और फिर जैसे गए हैं आए हैं तो उसी में थक गए, तो इस वजह से व्लॉग वगैरह मैंने कुछ भी एडिट करके अपलोड नहीं किया है। तो यहाँ पर आज जो है मेरे देवर की है हल्दी हाथ, तो उसके लिए हम लोग रेडी हो रखे हैं यहाँ पे और अब हम लोग जाएंगे। तो जब पूरा रेडी हो गया ना, उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मैं व्लॉग बनाना जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस अब हम लोग ना निकल ही रहे हैं जाने के लिए। तो जो घर है वो मतलब हमारा लोकल ही है, इस वजह से हम लोग जो है डेली अप डाउन हुआ है। तो अभी हल्दी में जा रहे हैं, फिर मेरे हस्बैंड और मैं घर वापस आ गए थे क्योंकि हमारे घर में कैंडी है, तो कैंडी को खाना देना घुमाने का चक्कर था। तो मम्मी तो वहीं रुक गई थी क्योंकि भी दिन में स्वाल पथाई भी हुई थी वहाँ पर, मैं नहीं रुक पाई थी क्योंकि कैंडी को घुमाना था। तो हस्बैंड और मैं जो है ना घर वापस आ गए थे और फिर शाम को हम लोग जो है मेहंदी में गए थे, तो मेहंदी कॉकटेल था तो उसमें फिर हम लोग गए थे। तो बस अब बाहर निकल गए हैं, हस्बैंड यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी वगैरह साफ कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे हल्दी हाथ के लिए। और जितना मतलब थोड़ा बहुत जितना भी मेरे से व्लॉग बन पाया मैंने उतना शूट करने की कोशिश करी है, क्योंकि जब खुद से व्लॉग वगैरह बनाना हो ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बच्चे भी कई बार बनाते हैं, कई बार उनको शर्म आती है, तो वो कई बार तो बोलते हैं कि हाँ बना देते हैं, कई बार नहीं बनाते हैं। तो मैं कितना कहाँ कहाँ दौड़ के व्लॉग बनाऊँ, ये हो जाता है अकेले का ना, फिर यही हो जाता है। इसलिए तो बस यहाँ पर मम्मी और मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी अपनी और अब हम लोग निकलेंगे घर, मतलब घर से बाहर अभी गाड़ी निकलेगी तब हम लोग बैठेंगे और जाएंगे। और यहाँ पर ना मम्मी का जूड़ा ना बार बार टेढ़ा हो रहा था, बार बार मतलब क्लचर सीधा नहीं उड़ता और उसकी वजह से क्या होता था, जूड़ा भी टेढ़ा लग रहा था, तो इस वजह से वो मैं ठीक कर रही थी। और मैंने कुछ इस तरीके से अपना जूड़ा वगैरह बनाया है और बीच में मैं सोची थी अपने हेयर कटिंग करवाने की, लेकिन इस वजह से मैंने अपने बाल भी नहीं कटवाए क्योंकि फिर जूड़ा वगैरह जैसे बनाना हो ना शादी वगैरह में तो बन नहीं पाता है इस वजह से। तो बस अब निकलते हैं और अब आप आगे के जो जो क्या बोलूँगी जो क्लिप है आगे की आप लोग जो है इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि बीच में कुछ भी वॉइस ओवर नहीं करूँगी ताकि वैसा ही ना जो नेचुरल होता है ना फिर वैसा देखने में बहुत अच्छा लगता है इसलिए। और ये है बाला सुंदरी का रास्ता है, उधर की साइड से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि घर जो है मांडूवाला में, तो रास्ता यहीं से पड़ता है और बहुत प्यारा लगता है, ये हरे हरे पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस चलिए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। Thank you.
पे ना हल्दी हाथ हो चुका है, मतलब थोड़ा थोड़ा रह गया है। और यहाँ पर बीच में ही जो किरण है, मेरी देवरानी है, और मैं यहाँ पर जो है वो जो बोलते हैं ना गुलगुले, वो पूरे जो भी लोग आ रखे हैं उनको बांट रहे हैं, मतलब मीठा करा रहे हैं उनका मुंह। और ये गुलगुले बहुत टेस्टी भी हो रहे थे, काफ़ी अच्छे हो रहे थे, तो वही हम सब यहाँ पर सबको दे रहे हैं। और भी मतलब हैं जो भैया लोग, वो भी बांट रहे थे, हम भी बांट रहे थे ताकि जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर किरण और मैं हैं साथ में। किरण जो है मेरे हस्बैंड के जो चाचा जी लगते हैं, उनकी बहू है, और उनकी शादी में एक बार मैं लखनऊ गई थी, मैंने ब्लॉग बनाया था, तो उसके बाद सेकंड टाइम ही किरण से मैं मिल रही हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा मिलकर, और मतलब ऐसे कभी कभी मिलो ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी भी है वो बात बूत करने में, मज़ा आया बहुत। और यहाँ पे ना अभी कीर्तन नहीं बोलेंगे, जो लेडीज संगीत होता है ना वो स्टार्ट हो गया। कीर्तन तो इससे एक दिन पहले हुआ था, तो वहाँ मैं नहीं गई थी क्योंकि आशी और सिया स्कूल चले गए गए थे, इस वजह से मम्मी गई थी। तो यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे ये बन्ना बन्नी के सॉन्ग गा रहे थे ना, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वही मैं यहाँ पर मम्मी और मैं सुन रहे हैं। इसके बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे, और खाना खाने के बाद फिर मैं घर चले गई थी। जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में, कैंडी की वजह से घर जाना पड़ा, और फिर शाम को हम लोग जो है मेहंदी में आए थे। आशी और सिया भी मेरे साथ चले गए थे, मम्मी यहीं पर, मम्मी पापा दोनों यहीं पर रुके थे। नहीं।
तो बस यहाँ पे जो है महिला संगीत भी चल रहा है और साथ में फोटोशूट भी हो रहा है। यहाँ पर भैया हमारा सबका फोटो ले रहे थे क्योंकि सब येलो येलो दिखते हैं ना, तो प्यारे लगते हैं। ऊपर से पिछोड़ी रहती है तो एक ट्रेडिशनल सा लुक लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो ये नीचे आप देख रहे हो ना, मतलब नीचे मीन्स की जो नीचे बैठी है नेहा है, मतलब दूल्हे की सिस्टर है, वो बैठी है। और ऊपर हम लोग चाची वगैरह है हमारी, मतलब सब चाची वगैरह लगती हैं, मैं हूँ, मम्मी है, हम सब की फोटो वगैरह क्लिक हो रही है। और बहुत अच्छी आई थी वाली फोटो, मैंने आशी से भी क्लिक करवाई थी बाद में, इसलिए। अभी देख